हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपनी फैमिली में, और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम कंप्यूटर का अगला सेशन करने वाले, जहाँ पर हम 1200 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ को चला रहे हैं। आज उसी कड़ी में आपका जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और इसके आज हम प्रीवियस ईयर में आए हुए 25 MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पर जुड़े हो, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर इस चैनल पर RRB PO और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस को प्रोवाइड कराते हैं। RRB PO और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर को हम प्रोवाइड कराते हैं, और इसके साथ ही हमारी स्पेशलिटी एक सेशन में और चल रही है। हम आपको अब डेली, आज से हमने अपना नया मोटिव शुरू किया है कि हम डेली मॉर्निंग में आपको एक मेंस की DI भी कराया करेंगे। मेंस की DI भी हम आपको कराया करेंगे, ये आपके हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी। तो इन चीज़ों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही हम आपके लिए रीजनिंग के काफ़ी बेहतरीन सेशन लेके आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कम टाइम में आप किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम आपको रीजनिंग के सेशन में सिखाते हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को आज शुरू कर लेते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड की कोई नॉइज़ आ रही है तो हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा टाइम जब मैं क्लास लेने का होता है तो उसी टाइम पर इनका पूजा करने का टाइम होता है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वॉइस आपको ज़्यादा आएगी, बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत नॉइस आपको आ सकती है, लेकिन उसके लिए हम पहले से ही आपसे कह देते हैं, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बनता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर। आपके सारे ही हमने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए, नॉर्मली SBI और IBPS में जो पूछे गए, हमने वो क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बन रहा है उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जैसे चीज़ें आपको थोड़ा स्पष्ट दिख जाए। चलिए ठीक है, अब आप बताइए कि द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर के अंदर रखते हो उसे क्या कहा जाता है। बताइए, जो इन्फॉर्मेशन आप एक कंप्यूटर के अंदर रखते हो उसको क्या कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेटा। सबको पता होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर के अंदर रखते हो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, डेटा के फॉर्म में आप अपनी चीज़ों को स्टोर करते हो। फिर डेटा से मिलके आपकी ये जो फाइल्स हैं ये सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा के रूप में रखी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन, एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है ऑफ द स्क्रीन का, दैट डिस्प्लेज अ प्रोग्राम, जो क्या दिखाता है आपको, एक प्रोग्राम दिखाता है, डेटा दिखाता है, और या फिर एक इन्फॉर्मेशन को दिखाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। एक रेक्टेंगुलर एरिया है, यानी कि आपके फ़ोन की स्क्रीन मान लीजिए, अब वो आपको प्रोग्राम भी दिखा रहा है, डेटा भी दिखा रहा है, इन्फॉर्मेशन भी दिखा रहा है, तो लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कंप्यूटर के अंदर अगर बात करते हैं तो उस चीज़ को जब हम कहते हैं, हम उसको कहते हैं विंडो। ठीक है, आज के बाद इन चीज़ों को आप नहीं भूलोगे, क्योंकि ये स्टैटिक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जब बहुत सिंपल लेवल के कुछ क्वेश्चन वो जरूर डालते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, कभी कभी ये 12 क्वेश्चन भी हो जाते हैं जो सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन रहते हैं, और नॉर्मली ये RRB क्लर्क के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन RRB क्लर्क के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, जिसमें आपसे क्या बात की जा रही है कि आपको हेल्प मेन्यू कौन से बटन में मिलता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के। हेल्प मेन्यू आपको कहाँ पर मिलता है बताइए। विंडोज़ के जितने भी लैपटॉप यूज़र हो या जितने भी PC यूज़र हो, वो सब इन चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। हेल्प मेन्यू आपको कहाँ पर मिलता है बताइए, हेल्प आप कहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हो हेल्प मेन्यू। इसका हमारा जो आंसर होने वाला है वो स्टार्ट में आपको हेल्प मेन्यू मिलता है। ठीक है, जितने भी लोग विंडोज़ के PCs, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें, नोटबुक, ये जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, वो सारे लोग इन चीज़ों को भली भांति जानते होंगे, और बहुत बार आपका इन चीज़ों से इंटरेक्शन लगातार होता रहता है। अगला देखो, फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, जो फाइल एक्सटेंशन है वो किस ऑर्डर में यूज़ किए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। फाइल एक्सटेंशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो क्या ज़रूरत पड़ रही है कि हमें फाइल एक्सटेंशन को यूज़ करना पड़ रहा है बताइए। जैसे आपने देखा होगा .pptx लिखा रहता है या .docx लिखा रहता है, ये सब क्या है, ये क्यों आप लिखा बता रहे हो, ये हम क्यों करते हैं, जिससे कि अगर .pptx लिखा है तो हमें पता लग जाए कि ये किसकी फाइल है,
पावर पॉइंट की फाइल है, डॉट डी ओ सी एक्स मिल जाए तो हमें पता लग जाए ये वर्ड की फाइल है, यानी कि आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, कि फाइल किस टाइप की है वो हमें पता लग जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए चल लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, आप इसमें देख लीजिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। फाइल से डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क, जो फाइल हार्ड डिस्क से डिलीट हो जाती है वो कहां पर पहुंच जाती है, बताइए। आजकल तो ये ऑप्शन आपके फोन्स में भी आने लगा है, जो भी आपकी हार्ड डिस्क से चीजें डिलीट हो जाती हैं, अगर आप उसे शिफ्ट डिलीट दबा के शिफ्ट प्लस डेल, जो आपका डिलीट का बटन रहता है शिफ्ट प्लस डिलीट, अगर आप उसको कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हो तो ये परमानेंटली एक ही बार में डिलीट हो जाती है। अगर नॉर्मली आप डिलीट करोगे तो ये कहां चली जाती है, सबको पता है, सबको पता है कहां चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ लेते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन, अभी मैं आपको स्टैटिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले हम स्टैटिक क्वेश्चंस को खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम डीप में नॉलेज लेके चलेंगे। पहले 1200 क्वेश्चंस जो आपके स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद फर्दर 1200 टू 1800 क्वेश्चंस के बीच में हम रखेंगे, लगभग 1200-1500 के बीच में क्वेश्चन, फिर हम दोबारा सीरीज शुरू करेंगे, वहां पे आपका एग्जाम बिल्कुल पास में होगा, तब आपको डीप नॉलेज के क्वेश्चंस लगातार देना शुरू करेंगे। अभी स्टैटिक आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले नहीं करता है एग्जाम के अंदर। हाँ, आते हैं 8-10 क्वेश्चन आपको क्लर्क के अंदर मिलेंगे, पीओ के अंदर 5-6 मिल जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इनका बहुत बड़ा अपने आप में कोई मार्क्स कंटेन नहीं किए होते, इसलिए हम इन्हें पहले ही निपटा ले रहे हैं, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा तो एग्जाम के पास में उन चीज़ों को करेंगे कि चीज़ें आपको अच्छे से उस टाइम तक याद रहें, बार बार ना पढ़नी पड़े। चलिए छठवें क्वेश्चन में आप बताइए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए अब बताइए आप, विच द डैश ऑफ अ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कंटेन्स लिस्ट ऑफ अ कमांड्स एंड ऑप्शन। आपके सामने पांच ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है, तो चार ऑप्शन है। इन ऑप्शन में आपको बताना है कि किसके अंदर लिस्ट रहती है कमांड्स की और ऑप्शंस की, बताइए बताइए। बहुत सारे कमांड्स मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे आपको काफ़ी सारे, वो किस में रहता है, ये रहता है मेन्यू बार के अंदर। कहाँ रहता है, मेन्यू बार के अंदर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, टू मेक द नंबर पैड, टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरोस, यू प्रेस विच की, बताइए। आपको जो नंबर पैड पे, जो भी आप नंबर पैड है आपको उसे यूज़ करना है, किस तरह से डायरेक्शनल एरोस की तरह अगर आपको उसको यूज़ करना है, तो आप पहले कौन सी की दबाएंगे, उसके बाद जो आपका नंबर पैड है वो काम करना शुरू करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। एक आपका बटन रहता है नमलॉक करके, उसे जब आप प्रेस करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, आपका जो नंबर पैड है वो काम करने लगता है। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा था, बस थोड़ा सा आपको घुमा के पूछ लिया गया, सिंपल सा है। जितने भी लोग लैपटॉप पे काम करते हो और जिनका भी कंप्लीट कीबोर्ड उनको मिला हुआ है, यानी कि उसमें आपको नंबर पैड भी अलग से मिला हुआ है, तो उसमें आपका जो नंबर पैड है वो कब काम करता है, जब आप नमलॉक नाम से एक बटन रहता है, जब आप उसको प्रेस कर देते हो उसके बाद आपका नंबर पैड काम करना शुरू करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर बात की जा रही है सेवेंथ क्वेश्चन में, टू मेक द नंबर पैड, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आठवां देखिए, विंडोज 7 द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन हैज़ कितनी इंडियन लैंग्वेज फॉन्ट्स हैं उसके अंदर, विंडोज 7 के अंदर कितनी इंडियन लैंग्वेज फॉन्ट्स हैं। ये SSC का सवाल है, आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ तो नहीं पूछी जाएगी, एटलीस्ट आपके में सिर्फ वो चीज़ें पूछी जाती हैं। ये मैंने आपसे पहले भी सेशंस में बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट टाइम पे जो चल रहा होता है ना, वो चीज़ें वो लोग पूछ लेते हैं। उस टाइम पे विंडोज 7 लेटेस्ट था, 2010 में पूछा गया ये, और ये SSC का तब भी ठीक चलता था, 2009 के आसपास इसका पेपर बना होगा, तो ये चीज़ें करंट इश्यू था। तो आप बताइए इसमें कितनी लैंग्वेजेस इंडिया की रखी गई थी फॉन्ट्स के अंदर, बताइए। 49 आपका आंसर आने वाला है, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, और ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अब क्योंकि था प्रीवियस ईयर में तो मैंने आपके लिए ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए,
टू चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट टू ऑल कैपिटल लेटर्स। जितने भी आप सिलेक्ट कर लेते हैं आप किसी भी टेक्स्ट को, उन्हें अगर जो आपने कैपिटल लेटर्स में ले लिया है, क्लिक द चेंज केस बटन देन क्लिक। बताइए, टू चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट टू ऑल कैपिटल लेटर्स आपको क्या करना है? आपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए आपने अपर केस को सिलेक्ट कर लिया, ये आपने सिलेक्ट कर लिया, अब आपको अपर केस के सारे जो लेटर्स उनको कैपिटल लेटर्स में चेंज करना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, क्लिक द चेंज केस बटन, उसके बाद आप क्या करोगे बताइए, देन क्लिक, क्या करोगे बताइए, बताइए क्या करेंगे? हमारा जो आंसर रहने वाला है, हम करेंगे अपर केस। क्या करेंगे हम? अपर केस, ये आपको याद रहना चाहिए। देखिए IBPS PO में पहले रीजनिंग प्लस से कंप्यूटर पूछा जाता था, तो उन चीज़ों में उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह की चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। जो नॉर्मली मैंने आपसे कहा भी है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको स्किप करने पड़ते हैं, अगर आपको पता है तो आप टिक करेंगे, अदरवाइज आप स्किप करके चले जाएंगे, ठीक है? तो 10वां क्वेश्चन देखिए, हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन। जो हेल्प मेन्यू है वो कौन से बटन में रहता है? ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया, कौन से बटन में रहता है? स्टार्ट बटन में रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स फोल्डर। आप अपने पर्सनल फाइल फोल्डर्स को कहाँ पर रख सकते हो? यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल या फोल्डर्स इन, कहाँ पर रख सकते हो बताइए? माई फोल्डर, माई फाइल्स, माई टेक्स्ट, माई, आपकी क्या है, माई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? सारे के सारे क्वेश्चन देख लीजिए, IBPS PO के अंदर पूछे गए, और यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से, अगर वो स्टैटिक भी पूछता है तो अंदर डीप में जाके पूछता है, तो यही आपका RRB PO में लेवल जाता है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वेन द पॉइंटर इज पोजिशनड ऑन अ डैश इट इज शेप्ड लाइक अ हैंड। जब आपका जो पॉइंटर है, पॉइंटर का मतलब क्या, जो भी आप कर्सर आप जिसको बोलते हो नॉर्मली, केवल आपकी भाषा में कर्सर जो है, जो आपको नॉर्मली इस तरह से दिखता है, ये कौन सी चीज पर पहुंच जाए तब इसका जो शेप है वो बदल के आपने देखा होगा इस तरह से हैंड के रूप में हो जाता है, बताइए 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 बताइए, कहां पर पहुंचते ही ये हैंड के रूप में हो जाता है? कभी भी ट्राई करना, हाइपरलिंक हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है उसको जरा देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज्ड। आपको अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है, आप कौन सी कीज को प्रेस करोगे? अब देखो विंडोज के क्वेश्चन है, तो नॉर्मली आपके जो लैपटॉप का जो आपका वर्किंग है उसी के ऊपर क्वेश्चन बनने वाले, और सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आपको अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है तो हमें बताइए क्या दबाएंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो रिस्टार्ट हो जाएगा, बताइए। आज भी ट्राई कर लेना, क्या दबाते, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल, ये चीज़ जब आप कॉम्बिनेशन में दबा दोगे तो प्रेस कर दोगे तो जो आपका लैपटॉप है या पीसी या कुछ भी है वो रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है कंप्यूटर के अंदर जो हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, स्टोर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, बताइए। अब इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर हो रही है तो वो कहाँ पर होगी बताइए? इन्फॉर्मेशन स्टोर का मतलब क्या हो गया, आपके पास कोई डेटा है उसको आपको स्टोर करके रखना है। अब चीज़ सिंपल हो गई होगी, कहाँ रखोगे, डिस्क ड्राइव में रखोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, विच की इज यूज्ड टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द करंट पोजिशन ऑफ द कर्सर, बताइए। सबको पता होगा ये तो, नॉर्मली सब लोग यूज करते हो, इवन आपके कीपैड में भी आपको वो दिखता है, इस तरह से जो आपको बटन दिखता है अपने में, ये जो वाला बटन आपको दिखता है, ये वाला, बताओ इसको क्या कहते हो? इसको जब आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, एक अक्षर लेफ्ट साइड में डिलीट हो जाता है। मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ चल रहा है, ठीक है? अब मुझे एक अक्षर डिलीट करना, यानी कि मैं अगर क्या दबाऊँ कि मेरा जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाए, क्या दबाओगे, बैक स्पेस दबाओगे, ठीक। 16th, इफ यू चेंज विंडोज 98 टू विंडोज XP, अगर आप विंडोज 98 से विंडोज XP में चेंज हो रहे हो तो आप क्या परफॉर्म कर रहे हो बताओ, आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, आप अपनी क्या विंडोज को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो ना, 98 से मूव कर रहे हो विंडोज XP पे, यानी कि 98 से
विंडोज़ ही आपका वर्जन ही चेंज हुआ जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो। और अपडेट क्या होता कि आपका विंडोज़ 98 है, लेकिन आपने जो भी विंडोज़ 98 में जो भी बग्स वगैरह थे, जो नई चीज़ें आईं, आपने उन्हें ही अगर डाउनलोड कर लिया और आपकी विंडो चेंज नहीं हुई, तो आपने अपने कंप्यूटर को क्या किया होता, आपने अपने कंप्यूटर को अपडेट किया होता। फाइन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें देखिए, व्हेन अ चार्ट इज प्लेस्ड ऑन दिस, इनमें से किस चीज़ के ऊपर अगर आप अपना एक चार्ट प्लेस कर दें, इट इज़ मच लार्जर एंड देयर इज नो अदर डेटा ऑन इट, ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा आपको और इसके ऊपर कोई भी डेटा नहीं होगा, क्या कहोगे उस चीज़ को? स्टैटिक क्वेश्चन ही रहने वाले हैं आज के तो सारे, बताइए। इसका जो आंसर है वो रहेगा चार्टशीट, यानी कि चार्टशीट आपकी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको रखते हो तो ये बहुत ज़्यादा मच लार्जर आपको दिखेगा और इसके ऊपर कोई और डाटा अलग से नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर फाइल्स, कंप्यूटर फाइल्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सही नहीं है, बताइए। दे आर कलेक्शन ऑफ डेटा सेव्ड टू अ स्टोरेज मीडियम, कि फाइल्स जो होती हैं वो कलेक्शन होता है डेटा का, एक स्टोरेज मीडियम में वो सेव करा हुआ होता है, ये तो सर सही है, बिल्कुल यही डेटा जो हमारी फाइल्स होती हैं इसी तरह का उसमें परफॉर्म होता है। एवरी फाइल हैज़ अ फाइल नेम, हर फाइल का अपना एक फाइल नेम होता है, आप सेम फाइल नेम की दो फाइल्स नहीं बना सकते हो कंप्यूटर के अंदर, अगर आप बनाओगे भी तो कंप्यूटर साफ साफ कहता है कि ये रीनेम आप जो कर रहे हो वो पहले से एक फाइल मौजूद है, अगर आप इसको दोबारा वही नाम देते हो तो मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा और पुरानी फाइल को गायब कर दूंगा, यानी कि अब हर एक फाइल का अपना खुद का एक नेम रहता है। तीसरा पढ़ो, अ फाइल एक्सटेंशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूज़र टू इंडिकेट द फाइल्स कंटेन, एक फाइल जो एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन क्या है, .pptx, .docx, ये सारा एस्टैब्लिश्ड बाय द यूज़र, क्या इसको यूज़र एस्टैब्लिश करता है या फिर ये फाइल का टाइप के हिसाब से खुद एस्टैब्लिश हो जाती है। अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हो तो आपका जो एक्सटेंशन बनेगा वो क्या बनेगा, बताइए, वो आपका .docx बनेगा। अगर आप किस पे पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो तो .pptx बनेगा, कन्फर्म है। तो ये सारी चीज़ें यूज़र तो डिफाइन नहीं कर सकता ना, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वही फॉल्स है, यही आपसे पूछा गया था। और ऑल फाइल्स कंटेन डेटा, बिल्कुल ठीक है, हर फाइल के अंदर डेटा होगा ही तभी वो फाइल बन पाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ लीजिए, अ मेन्यू कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ, एक जो मेन्यू होता है उसके अंदर किन चीज़ों की लिस्ट रहती है, एक जो मेन्यू रहता है उनके अंदर किन चीज़ों की लिस्ट रहती है, बताइए। अभी हम पढ़ के आए किसकी लिस्ट रहती थी सर, कमांड्स की लिस्ट रहती थी। अगला क्वेश्चन, फाइल श्रिंक्स द साइज, फाइल कौन सी फाइल आप क्या करोगे, तो श्रिंक्स द साइज ऑफ अ फाइल, श्रिंक कर देगी यानी कि कम कर देगी साइज ऑफ अ फाइल, एक फाइल का साइज, सो इट रिक्वायर्स लेस स्टोरेज स्पेस, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा जो आपका फाइल है वो छोटा हो जाएगा और जगह कम घेरेगा स्टोरेज के अंदर, बताइए क्या करते हो, सब यूज़ करते हो ना, क्या यूज़ करते हो, कंप्रेशन यूज़ करते हो, इसमें तो कोई भी आपको सोचने वाली बात ही नहीं है, फाइल कंप्रेशन कर दिया, और जैसे कि आप देखते भी होंगे अगर डाउनलोड करते हो काफ़ी से बड़े बड़े गेम करते हो, मान लीजिए IGI 2 आप डाउनलोड कर रहे हो, IGI 2 तो बहुत पुराना वर्जन हो गया, मान लीजिए आप इस मतलब लेटेस्ट कोई गेम भी आप डाउनलोड कर रहे हो, अगर वो इंटरनेट पे आपको मालूम है कि वो 2 या 2.5 GB का है, तो आप क्या करते हो उसका कंप्रेस्ड वर्जन एक डाउनलोड कर लेते हो जो 200-300 MB में आपको मिल जाता है, फिर आपके पास WinRAR करके फोल्डर रहता है, वहाँ से आप उसको क्या कर लेते हो, कंप्रेस से क्या करते हो, डीकंप्रेस कर लेते हो, जिससे कि आपकी जो फाइल का जो कंप्रेशन था कम था साइज वो एक्चुअल साइज में आ जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या कहा जा रहा है, इन एडिशन टू द बेसिक टाइपिंग कीज, बेसिक टाइपिंग कीज के साथ साथ डेस्कटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर कीबोर्ड्स, जो डेस्कटॉप और नोटबुक के जो कीबोर्ड्स होते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड्स होते हैं इंक्लूड, वो क्या इंक्लूड किए होते हैं, डैश कीपैड टू एफिशिएंटली मूव द स्क्रीन बेस्ड इंसर्टेशन पॉइंट, बताइए। उसके साथ ही इनमें और क्या होता है जो आप स्क्रीन पर इंसर्ट करते हो, बेसिक टाइपिंग कीज के अलावा और क्या आपको क्या मिलता है, नंबर्स मिलते हैं ना टाइप करने के लिए, एडिटिंग नहीं मिलती, लॉक्ड नहीं मिलता, डॉक्ड नहीं मिलता, क्या मिलता है, नंबर मिलता है, सिंपल सा है, बस थोड़ा सा घुमा दिया और आप सोच रहे हो पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया। 22 में देखिए, व्हाट इज द नेम गिवन टू दोज एप्लीकेशंस,
उन एप्लीकेशंस को क्या नाम दिया जाता है, दैट कंबाइन जो क्या अपने अंदर रखी होती है, कंबाइन जिसमें क्या रहता है, टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो एंड और एनिमेशन। किस कोई एनिमेशन भी हो सकता है, साउंड्स भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, मोशन वीडियो भी हो सकता है, यानी कि कई टाइप का मीडिया आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुत सारे टाइप का मीडिया, तो मल्टीमीडिया। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन साइजिंग अ विंडो। इनमें से पहला स्टेप कौन सा है किसी भी विंडो की साइजिंग करने का, बताइए बताइए बताइए। विंडो की साइज करने का मतलब समझ रहे हो, आपकी मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर एक विंडो है, वो पूरी डेस्कटॉप की आपकी जितनी चौड़ाई है उसके बराबर खुली हुई है। अब आपके सामने और एक विंडो और खुल गई, ठीक है, ये छोटी सी खुली है, तो अब आपको इस विंडो का जो साइज है ये थोड़ा सा बड़ा करना है। तो आप क्या करते हो, अपने कर्सर को इसके बॉर्डर पे ले जाते हो या फिर किसी भी कॉर्नर पे ले जाते हो और वहां से इसको क्या करते हो, पकड़ के खींचने लगते हो, यानी कि किससे, बताइए, लेफ्ट क्लिक करते हो और अपने कर्सर को घुमाते हुए, यानी कि इसकी विंडो का जो साइज है वो बढ़ने लगता है। तो हम कहाँ पर जाके ये चीज़ कर सकते हैं, पॉइंट टू एनी कॉर्नर और बॉर्डर, तभी आप अपनी जो विंडोज है उसका साइज आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ फेडेड कमांड इन अ पुल डाउन मेन्यू। एक पुल डाउन मेन्यू के अंदर एक सिग्निफिकेंस लेकिन फेडेड कमांड क्या है, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, बताइए इसको। फेडेड है, इसका मतलब क्या है, द कमांड फेडेड आप कब कह पाओगे, बताओ, फेड का मतलब क्या है, वो चीज़ एक्सेसिबल नहीं है, फेडेड है, डिम है, यानी कि कैसी है, उसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तभी तो वो फेड है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, द कमांड इज नॉट करंटली एक्सेसिबल। अगला देखिए, द सर्च कंपेनियन कैन, जो आपका सर्च कंपेनियन है वो क्या कर सकता है, ये चीज़ आपको बतानी है, बताइए। लोकेट ऑल फाइल्स कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड फ्रेज, लोकेट कर लेता है उन सभी फाइल्स को जो कुछ स्पेसिफाइड फ्रेजेस उनके अंदर हैं। अगर आपने उसमें कुछ भी डाला और वो आपने मान लीजिए कोई भी एक फाइल के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, और आपने जो चीज़ें लिखी हुई हैं आपको उन चीज़ों को आपने सर्च बॉक्स में डाल दिया, सर्च कंपेनियन में डाल दिया, तो वो लोकेट कर लेगा उन फाइल्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला पढ़िए, रिस्ट्रिक्ट इट्स सर्च टू अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ फोल्डर्स, ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है अपनी सर्च को स्पेसिफाइड सेट और फोल्डर्स की, कि कुछ स्पेसिफाइड सेट ऑफ फोल्डर्स होते हैं वहाँ पे ये सर्च को रिस्ट्रिक्ट भी कर देता है, क्या ऐसा होता है, जी सर बिल्कुल ऐसा होता है। बाकी देखिए, लोकेट ऑल फाइल्स कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड फ्रेज एंड रिस्ट्रिक्ट इट्स सर्च टू अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ फोल्डर्स, बताइए 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 बताइए, कह रहे हो कि सर सी तो पूरा ही लिखा, वही हमें लग रहा है कि लोकेट ऑल फाइल्स कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड फ्रेज एंड रिस्ट्रिक्ट इट्स सर्च टू अ, यानी कि बिल्कुल सेम दिख रहा है, यानी कि सी भी हो सकता है। तो फिर आंसर बताओ ना सर, क्या होगा ये बताइए, क्या होगा फिर, कैन नॉट लोकेट ऑल फाइल्स, यानी डी तो कन्फर्म गलत है, डी तो कन्फर्म गलत है, ए और बी आधे आधे सही है, यानी कि ए और बी भी टिक नहीं कर पाओगे, तो सी आपका पूरी तरह से सही है और ऑप्शन नंबर ई का गया है ए एंड बी, तो हम ई को भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये टाइपिंग एरर हो गई है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ अगर आप दोनों को मिला के मानते हो तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चंस थे और बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चंस थे। ऐसा मत सोचना कि सर समझ में नहीं आ रहा, मैं इसीलिए स्टैटिक क्वेश्चंस को पहले ले रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम आपको डिटेल में बताना शुरू करेंगे तो वो सेशंस इतने लंबे हो जाएंगे और उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको आपके एग्जाम में मार्क्स लेके आने, और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो हम आपको सारा कुछ करा ही रहे हैं। जहाँ भी चीज़ें पढ़ा के बताने वाली होंगी, डिटेल में बताने वाली होंगी, वहाँ हम अपनी थ्योरी की क्लासेस लेते हैं, हमने थ्योरी की क्लासेस ली भी हुई हैं कुछ, तो वहाँ से आप जाके आप देख लेना हम कितना डिटेल में चीज़ों को फिर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं रखेंगे। तो जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हिंदी कंप्यूटर
रीजनिंग और मेंस की डीआई के लिए, ये चार चीज़ें, और स्पेशलिटी हमारी मेंस की डीआई और हिंदी और कंप्यूटर, इन तीन चीज़ों में है, ठीक है। तो इनके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर लो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। बाकी हम मिलेंगे कल के सेशन में, और तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।